इस कॉपी पे आपका क्या स्टैंड है, आप क्या स्टैंड करते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि हाँ भाई आईसीएसए ने सही किया गलत किया? इसमें सही का तो मतलब ही नहीं नलायकों, इसमें गलत ही गलत का मतलब है। आपको मैंने कल भी एक कॉपी दिखाई थी जिसमें 74 नंबर काट के 44 नंबर किए होते, आज भी कॉपी आपके सामने है और आई थिंक सारे ग्रुप के अंदर ये कॉपी होगी, 63 नंबर काट के 38 नंबर किया, कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा सर। मतलब एक चलो डिफरेंस होता है ना, 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है, चलो मान लो बच्चा समझ जाता है कि चलो 4-5 नंबर का डिफरेंस है। अब एक बच्चे की एग्जम्पशन आई पड़ी है, आपने एग्जम्पशन उठा के 38 नंबर कर दिए, माना दो टीचर ने कॉपी चेक की, बट इतना डिफरेंस तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो पहला टीचर भी कंपनी सेक्रेटरी है, दूसरा टीचर भी कंपनी सेक्रेटरी है, पहले टीचर ने 63 नंबर दिया, आपने काट के 38 नंबर दे दिए, और फिर आपने इतनी दरियादिली दिखाई, आपने कहा कि नहीं हम 2 नंबर इसके और बढ़ा के 40 नंबर कर देंगे। क्या वैल्यू 40 नंबर की, मेरे को समझ नहीं आ रहा 40 नंबर की वैल्यू क्या यार। मतलब बच्चे के 63 से आपने 38 किए, फिर आपने कहा हमारा दिल देखो हम 2 नंबर और इंक्रीज कर रहे हैं, आपके 40 नंबर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप 38 रहने देते, कम से कम बच्चा ये तो कहता कि चलो मेरा काम ही हो गया। अब आपने 40 देके उसको पास भी कर दिया तो सर मेरे अकॉर्डिंग वो पास नहीं है। उसने जब एक कॉपी देखी होगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी उसका दिल ही जानता है। और आज सुबह मेरे पास एक कॉपी एडवांस टेक्स की आई है सर, उसके 38 नंबर हैं, बच्चा वैसे पास है, एडवांस टेक्स में 38 नंबर है, 5 नंबर काट के 0 नंबर किए मैं, और क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बताओ बच्चा मेरे को कह रहा है सर बताओ, आप बताओ क्या गलती मैंने की है। आपके जो मतलब इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस आंसर है हमने वही सेम लिखा, उतने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर हमें नंबर 0 ही मिलने हैं तो बताओ हम फिर क्या करें, हम क्या लिख के आए एग्जाम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे ये काम करके आ रहे हैं, बट कुछ डिजर्विंग बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है, वो बहुत हर्ट होता है, वो बच्चों को हर्ट होता है सर, मुझे भी हर्ट होता है, सबको सारे टीचरों को हर्ट होता है। प्रॉब्लम ही निकल कह रहे कि जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं जितनी मेहनत से वो पढ़ रहे हैं, अगर उसके पढ़ने के बाद भी हमारे पढ़ाने के बाद भी अगर ये कॉपी देखने को मिलेंगे ना बड़ी दिक्कत वाली बात है। और मैं तो हमेशा आपको क्लास के अंदर भी कहता हूँ, सारे बच्चे मेरे को जानते होंगे कि भला है बुरा है सर जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी गलती होंगी तो दिक्कत तो है सर। ठीक है, तो मतलब आईसीएसए को ऑब्वियस ही बात है मैं तो कहता हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट खत्म होता है। चलो अभी तो आपका टेक्स्ट का पेपर एमसीक्यूज है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एक गलती नहीं है सर, मैं तो इतनी सारी गलतियां गिनवा दूँ इतनी सारी गलतियां गिनवा दूँ, बट प्रॉब्लम है ना कि मैं सीए हूँ मैं सीएस नहीं हूँ, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बच्चा कहता है यार तू कौन मैं कौन, आप तो कंपनी सेक्रेटरी होनी, हम आपकी हम आपका सपोर्ट क्यों करेंगे। मतलब अगर यही बात आईसीएसए तक पहुंचे तो क्या चेंजेस नहीं आएंगे? चेंजेस आएंगे, बट बच्चों को एकजुट होना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या, बच्चे एकजुट नहीं होते। बच्चा कहता है सर सीए के अंदर भी तो प्रोटेस्ट हुआ था, तो सीए के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे सारे बच्चे एकजुट हुए थे ना, उनकी वीडियो वायरल कर दी गई थी। अब उनकी वीडियो वायरल होगी, आईसीएआई तक पहुंच गई, आईसीएआई वालों ने बुलाया, उन्होंने कमिट किया कि हम आगे से इंप्रूव करेंगे, फिर उन्होंने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना तो टीचर ना टीचर एकजुट होंगे ना ही बच्चे एकजुट होंगे, जब वो एकजुट होंगे नहीं तो मुद्दा वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए कि नहीं सर हमें हमें चेंज लेके आना है, ये चीज़ें गलत हैं। मैं ये नहीं कह रहा देखो सिंपल सी बात है मे बी उसने किस वजह से नंबर काटे, बट कम से कम क्लैरिफाई तो किया जाए ना कि हाँ भाई अगर मान लो उसने यहाँ पे पाँच में से मान लो 5 में से 5 हैं, 2 में से 1 हैं, 3 में से 2 कर दिए, 4 में से 2 कर दिए, तो साइड में लिखे तो सही कि 4 में से 2 हमने किस लिए किए। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा सर, अब सोच के मैं आपको मार्कशीट देता हूँ, आपके 63 नंबर में से 38 नंबर कर दिए, वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि मैंने 38 क्यों किया, आप क्या समझ पाओगे? आपको समझ ही नहीं आ रहा आपकी क्या गलती है, आप अगली बार भी क्या इंप्रूव करोगे? और ये डिजर्विंग बच्चा है, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं डिजर्विंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो फेल होने चाहिए वो तो आज भी फेल होने चाहिए हर बच्चा। और ये बात कान खोल के मेरी बात सुन लो, जितने बच्चे अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आप आईसीएसए की वजह से फेल हो गए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी खुद की गलतियां भी होंगी, हर चीज में आईसीएसए की गलती नहीं होती, और हाँ हर केस में बच्चे की गलती भी नहीं होती। मतलब अगर मैं इस केस की बात करूँ, इस केस में बच्चे की क्या गलती है, सुबह मैंने मार्कशीट चेक किया एडवांस टेक्स में, उसको 5 में से 0 मिले, उसमें बच्चे की क्या गलती है? तो हर बार बच्चे की गलती भी नहीं होती, कुछ इसमें आईसीएसए की भी। अब आपके सामने अगर ये मार्कशीट है, इसमें मेरे को तो लग रहा है सिंपल सी बात है सर 63 में से 38 नंबर मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और एक गलती नहीं है सर, देखो सिंपल सी बात है, कई सारी गलतियां ऐसी होती हैं जिसको टीचर इंप्रूव कर लेता है तो वो आईसीए तक पहुंचती नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा आईसीएसए के मॉड्यूल, मेरे मॉड्यूल में एडवांस, मेरे चाहे वो एडवांस टेक्स की बात करूंगा चाहे मैं टेक्स की बात करूँ, उसमें काफी सारी मिस्टेक्स मैं बच्चों को दिखाता हूँ कि पुराना लॉ लिखा हुआ है, पुराने अकॉर्डिंग पुराने लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रखे हैं, अमेंडमेंट्स बीच में डली नहीं हुई, ना कोई प्रैक्टिस मैनुअल। बच्चों को बच्चा कहता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, बच्चा कहता है स्कैनर कौन सा लें, मतलब ना कोई प्रैक्टिस मैनुअल है ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर उसमें कई सारे क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, तो बच्चे को मटेरियल ही नहीं मिल रहा सर, बच्चे को मटेरियल ही नहीं मिल रहा। और जो गाइडलाइंस आंसर डाले हुए हैं पिछले 5 साल के, वो आंसर भी अपडेट नहीं कर रखे, अब वो उस साल के अकॉर्डिंग आंसर दे रखे हैं, अब अपने आप अपडेट करते रहो अपने आप करते रहो। तो मतलब कई सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है कि डिजर्विंग बच्चे फेल होते हैं, ये बहुत हर्ट होता है, उनके पेरेंट्स को भी हर्ट होता है, अगर उसके पेरेंट्स ने ये कॉपी देखी होगी उसके पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरे होगी, उसका ट्रस्ट ही खत्म हो गया होगा कि मुझे करनी नहीं है। और अभी तो फिर मैंने कहा ना अभी टेक्स के पेपर एमसीक्यूज है, आप इस बार के आंसर देख लो टेक्स के, सर उन्होंने खुद कहा 6 क्वेश्चन हमसे गलत हुए, अब वो 6 क्वेश्चन की ग्रेस मार्क्स मिले नहीं मिले किसको क्या पता, क्योंकि वो तो एमसीक्यूज है उसकी मार्कशीट निकल नहीं सकती। अब अगर आपसे बनने में 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या वो 7 नंबर ग्रेस हर बच्चे को मिली है? और अगर 7 नंबर ग्रेस हर बच्चे को मिली है तो वो कैसे पता लगेगा?
और वो 7 क्वेश्चन गलत अगर इस लेवल पे बन रहे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अगर पेपर सब्जेक्टिव हो जाएंगे, सब्जेक्टिव होने के बाद अगर इस तरह की चेकिंग होगी तो बच्चा ट्रस्ट कैसे करेगा, क्योंकि अब तो सारे पेपर सब्जेक्टिव हो गए। अब सब्जेक्टिव होने के बाद अगर ऐसी चेकिंग होगी तो बच्चा तो फिर तो पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो एमसीक्यू के चक्कर में वहाँ पे 60 नंबर ले लिए, 55 नंबर ले लिए तो बच्चे का ग्रुप निकल गया। अगर टेक्स्ट पेपर बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, कोर्स में बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, अगर वहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होगी तो बच्चा कैसे करेगा सर। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से देखो सिंपल गलतियाँ होती हैं, मैं नहीं कह रहा गलती नहीं होती, मैं अगेन बोलूंगा गलती बिल्कुल होती है, बट हाँ इतनी बड़ी, इतने बड़ा डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग वो तो बिल्कुल नहीं बनता, 1-2 नंबर की गलती होती है। बट अगर इतने बड़े बड़े डिफरेंस अगर मार्क्स के अंदर आएंगे, और ये सब सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि आरटीए के थ्रू कॉपी निकल रही है। अब जब आरटीए के थ्रू कॉपी निकलना स्टार्ट हुई ना, फिर क्लियर पिक्चर पता लगना स्टार्ट होगी कि चल क्या रहा है। अब बच्चा ये बताओ, ये बच्चा अब किसके पास जाए कि मेरे नंबर क्यों कटे, और कौन सा टीचर को क्या बताएगा भाई, चलो मेरा तो पेपर है नहीं, सिक्योरिटी लोग है, सिक्योरिटी वाले टीचर अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब मैंने तो अपनी पूरी, हमारी पूरी टीम को भी, हमारी पूरी टीम भी आपके साथ है, और इवन एक बहुत जल्दी हम सेशन भी रखेंगे कि क्या क्या सजेशंस होनी चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बट ये सिंपल सी बात ध्यान देना कि मेरा स्टैंड बिल्कुल आपके साथ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, सिंपल सी बात है, फुल सपोर्ट है। और ICS को ये चेंज करना चाहिए, और इवन एक चीज में नहीं कई चीज़ों में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और अगर होंगे तो सिंपल से बता है रेपुटेशन जो है, गुडविल जो है, बच्चे का ट्रस्ट तभी क्रिएट होगा। अगर इस तरह की बातें होंगी तो बच्चे का ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता, ठीक है। बट मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, इन्वॉल्व होना, यूनिटी दिखाना, बट इसका मतलब ये सोच के मत बैठ जाना कि ICS रिफॉर्म्स लेकर आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो उसने तो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, उनको भी बातें पता लग जाएंगी। अगर आप सिंपल सी बात है जितने ज़्यादा बच्चे अब इसको शेयर करेंगे उनके तक बात पहुंचेगी, तो मे भी उनके 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 उन पे तक बात पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी, तो इसमें मे भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। बट आप अगर सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए ना, आप अगर ये सोच के बैठ गए कि मेरे नंबर इस चक्कर में कटेंगे कि ICS से गलती हुई है, तो फिर आप ना तो पढ़ पाओगे, और फिर प्रॉब्लम क्या है, जहां रियल नालायक बच्चे भी फेल होंगे ना, उनको ये लगेगा कि ICS ने फेल कर दिया, तो वो चीज मत करना बस। तो मेनली डिजर्विंग बच्चा पास होना बनता है, ये 100% है, बट हर बच्चा अपने एफर्ट्स लगा के चले, तैयारी करके चले, क्योंकि अगर 2 महीने पहले आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, 2 महीने पहले आप इन समय इन्वॉल्व हो गए, आपकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई बरकरार रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा के रखो, अपने सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी रिविजन क्लास करो। मतलब जितनी भी टीचर कम्युनिटी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अरुण सर हैं, चाहे वो GD सर हैं, चाहे हम हमारी पूरी की पूरी टीम है, चाहे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचर हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए काम करना, आपके लिए स्टैंड लेना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसकी टेंशन बिल्कुल, मतलब बस आपने एक काम करना है, यूनिटी दिखानी है, आपको एक साथ खड़े होना है, बाकी सारा काम हम सब मिलके कर लेंगे। और दूसरी बात, आपने पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, अपने पढ़ाई को छोड़ के कुछ और नहीं करना जी बस, ठीक है। कोई हेट नहीं फैलानी किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई अटरम शटरम नहीं लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ICS है ये, ICS है वो हमारी मदर बोटी है। और सिंपल से बात है, पेरेंट्स से भी गलतियां होती हैं, हम उनको समझाते हैं, वो गलती मानते हैं, और यहां पर भी गलती मानी जाएगी, बहुत जल्दी मानी जाएगी। बट सिंपल से बात है, गलती माननी चाहिए भी, क्योंकि अगर इतने चेकिंग में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं होगी कि नंबर क्यों कट रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है जी, ठीक है। और ये बनती भी ऐसा रखो, अगर इतना बड़ा डिफरेंस आएगा तो दिक्कत की बात, और ऐसी एक नहीं कई सारी कॉपियां सामने निकल के आएंगी। और जब बच्चा ये कॉपी देखता है, उसका ट्रस्ट खत्म होता है, उसकी मेहनत पे पानी फिरता है, 3 साल वो लगाता है, वो इसलिए नहीं लगाता कि उसको ये कॉपी देखने को मिलेगी, तो डिजर्विंग बच्चों के लिए बहुत हर्टफुल बात होती है, वो नहीं पढ़ पाता दोबारा से, जब उसके दिमाग में कॉपियां घूमती हैं कि भाई मैंने, मेरी गलती क्या है जो मेरे इतने कम नंबर, मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी, ठीक है जी। तो हम ICS से मिलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इसको कंसिडर करो, इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, हमें मैं कहते हैं हमें मार्किंग स्कीम बताओ कि किस तरह से मार्क्स मिलते हैं, ताकि बच्चों का ट्रस्ट क्रिएट हो, बच्चा मोटिवेटेड रहे कि नहीं ICS आपके साथ है। बट अगर वो खुद आके एक बार बता देंगे कि इस तरह से मार्क्स मिलते हैं, इस तरह से कई बार नंबर कम हो जाते हैं, इस तरह से हम ग्रेस नंबर भी देते हैं, अगर वो सारी चीज़ें हमें क्लियर पता लग जाएंगी तो हमारे दिल को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हम भी अपना पढ़ाई में लग जाएंगे जी, ठीक है जी। और कुछ और भी हैं, चलो वो एक सेकेंडरी मैटर है, बट इस मुद्दे को जरूर ICS को बहुत जल्दी टेकअप करना चाहिए, नहीं तो बाकी अगर आप अगर आप में यूनिटी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो आपने मेरे से स्टैंड पूछा था, 100% आपके साथ है, मैंने कहा ना मेरे तो अंदर छाती चीर के देख लोगे तो भी आप लोग ही बैठे हो, दूसरा तो कोई बैठा ही नहीं है जी, ठीक है। चलो इधर आओ भी, हमसे रहो।